पानी हमारा, सोर्सेज हमारे, पावर हमारा, और हमी को फिर वो उसको बेचा जाता है। यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती की, यहाँ के लोगों की बेइज्जती की, इनफरादियत, यहाँ की शनाख्त को तबाह कर डाला। कहने को तो बड़ा प्रोपेगंडा होता, अखबार भर के होते हैं, सारे अखबार में एडवर्टाइज होते हैं डिपार्टमेंटों के। नहीं, सिटी म्यूनसिपैलिटी में फ़र्क आया, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है इंडियन अलायंस में सब कुछ ठीक चल रहा है? गिलानी साहब कैसे आए असेंबली में? मोहम्मद सईद साहब कैसे आए? शबीर साहब के भाई, शबीर अहमद शाह के भाई कैसे आए? अब्दुलरज़ाक बिजरू साहब कैसे आए? सुनजी साहब कैसे आए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, मुख्तसरन बात करने के लिए हमारे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर मिनिस्टर अली मोहम्मद सागर साहब। सागर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ग्राउंड जीरो पर कितनी तैयारियाँ हैं? अल्लाह के शुक्र फजल करम से हमारी तैयारियाँ हैं। जब भी इलेक्शन करेंगे, और हमारे बार बार मुतालबा किया कि ये जो 5 अगस्त के बाद यहाँ किया गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई गई, तो यहाँ इलेक्शन होना चाहिए, लोगों की नुमाइंदे आने चाहिए। लेकिन अब लग रहा है कि इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको डायरेक्शन दी है, और ये भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन करेंगे, उसके बाद असम्बली इलेक्शन करेंगे। हमारा मानना था कि पार्लियामेंट और असम्बली इलेक्शन दोनों एक ही वक्त हो, अच्छी बात है। खैर, ये अब गवर्नमेंट पर है, डिपेंड है वो कब करेंगे, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए ताकि लोगों के नुमाइंदे जाएं और वो लोगों की बात करें। सागर साहब, क्योंकि अगर हम देखेंगे, आप इंडियन अलायंस का एक रुकन हो, आप इंडियन अलायंस के साथ हो, क्या लगता है इंडियन अलायंस में सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए जी, अलायंस की कामयाबी नाकामी उसके मेंबर पर डिपेंड होती है, वो कैसे बिहेव करेंगे, कैसे जो उसमें, कम से कम जो बड़े बड़े उसमें अलायंस पार्टनर हैं, तो उम्मीद तो है हमें कि ठीक ही होगा। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है आगे क्या होगा। हिंदुस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिक्स सिचुएशन है, जिस तरह ये चल रही है, हर कोई बाखबर है उससे, कोई बेखबर नहीं है। लिहाजा आने वाले वक्त में क्या होगा, आखिर जो जनशक्ति है, जो लोगों की ताकत है, वही फैसला करते हैं। लोग जो सोचेंगे वो आना चाहिए और उसको मौका मिलना चाहिए। सागर साहब, अब हम देखेंगे इंडियन अलायंस में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। आपको पता ही, ममता बनर्जी ने किस तरीके से कहा कि हम बंगाल में सारी सीटों पे खुद लड़ेंगे। साथ ही साथ नीतीश कुमार थे बिहार के चीफ मिनिस्टर, वो इंडियन अलायंस के साथ थे, लेकिन अब उन्होंने उसके साथ उस गठजोड़ तोड़ दिया और NDA की तरफ चले गए। इसमें दोनों तरफ अपनी अपनी दलील दे रहे हैं, इंडियन अलायंस भी दे रही है, BJP भी दे रही है। सच क्या है, गलत क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये बात है कि एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट करनी पड़ती है जब अलायंस में आप पार्टी शामिल हो। ये नहीं है कि आपकी बात चले जाए, चाहे मानी जाएगी, आपको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू अकोमोडेट करना होता है। उसी तरफ अगर ये उस जज्बे से काम करेंगे तो मुझे लगता है ठीक ही चलता है। लोगों में ये रूमर्स हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद इंडियन अलायंस के बावजूद भी, आप यहाँ पे जितनी भी सीटें हैं, चाहे जम्मू एंड कश्मीर की 5 सीटों की बात करें या लद्दाख की 1 सीट की बात करें, सब सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले इलेक्शन लड़ना चाहती है? नहीं, हमने कहा है अलायंस के तो पार्टनर हैं, डॉक्टर साहब हमारे हैं, वहाँ उमर साहब हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को, यहाँ से भी और वहाँ से भी। वो देखेंगे जो बेहतर होगा पार्टी के लिए। हम हाँ, हमने कहा कि 3 सीटें जो हमने जीती हैं, इससे पहले भी जम्मू में भी हमारा रिकॉर्ड है, हमने एक दफ़ा 16 सीटें जीती हैं जम्मू से, और एक पार्लियामेंट मेंबर हमारा बना है जम्मू, तालिब हुसैन साहब। लिहाजा ये कोई बड़ी बात नहीं, इसमें एक बड़ी पार्टी है, लेकिन जो मुल्क के हित में होगा, अलायंस के हित में होगा, वो डॉक्टर साहब और उमर साहब हैं, जो फैसला लेंगे, हम उसको, उस फैसले को आगे ले जाएंगे लोगों में, ग्राउंड पे। सागर साहब, अगर हम देखेंगे, गवर्नमेंट का दावा है कश्मीर में सब कुछ ठीक है, कश्मीर में पीस है, कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ गामजन है, क्या लग रहा है आपको ये सिनेरियो, इस सिनेरियो को किस तरीके से आप देख रहे हैं? गवर्नमेंट कहती है, उनको कहना है, अगर वो नहीं कहेंगे तो ये प्रोलॉन्ग कैसे होगा ये गवर्नमेंट। लिहाजा उनको कहना है, आखिर लोग फैसला करेंगे, वो भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट भी कह रही है, लोग उनके साथ अगर हैं तो इलेक्शन हो जाए, तो फैसला लोग करेंगे। कल को लोग अगर उनको वोट देंगे तो हम क्या करेंगे? जो आवाम का फैसला होगा उसके सामने हर कोई वो करेगा, गवर्नमेंट पार्टी हो या नॉन गवर्नमेंट पार्टी हो। लिहाजा देखिए आने वाले वक्त में क्या होगा। क्या लग रहा है आपको कश्मीर गामजन है बाकी डेवलपमेंट की तरफ? कहने को तो बड़ा प्रोपेगंडा होता, अखबार भर के होते हैं,
सारे अखबार में एडवर्टाइज होते हैं डिपार्टमेंटों के, बाकी आप खुद फैसला कर सकते हैं। लोग इन्हीं चैनलों पे, आपके चैनलों पे क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में, वो भी आया है आपको, लिहाजा चलिए देखिए क्या होता है। अगर लोगों को आसाई या आराम पहुँचा हो तो वो बताएंगे खुद। कहा जाता है, दावा किया जाता है 2019 के बाद जो यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग है वगैरह वो बिल्कुल कम हो गई है, ना के बराबर अब स्टोन पेल्टिंग हो रही है, किस तरीके से आपको इस चीज़ को देखते हैं? नहीं, स्टोन पेल्टिंग में फ़र्क आया, उसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट काम कर रही है? नहीं, स्टोन पेल्टिंग तो फ़र्क आया, उसमें क्या दो राय है, जब हो जाएगा तो हम कहेंगे। बाकी जो तबाही और बर्बादी होगी, जो इन्होंने यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती की, यहाँ के लोगों की बेइज्जती की, इनफरादियत यहाँ की शनाख्त को तबाह कर डाला, वो तो लोगों पर आया है। अब ये लोगों को फैसला करना है सही क्या है गलत क्या है, कौन पार्टी उनके जज्बात को रिप्रेजेंट करती है। सागर साहब, अगर हम देखेंगे कश्मीर अपना खुद का पावर जनरेट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर में पावर क्राइसिस है। आपकी जो गवर्नमेंट पहले थी, किस तरीके से आपने इनिशिएटिव लिया था इन जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें वापस मिले, या अगर आने वाले वक्त में आपकी गवर्नमेंट आएगी किस तरीके के इनिशिएटिव आप लेंगे? वो उमर साहब की हुकूमत थी जब रटले का हुआ था, हम भी शुरू हुआ था उस पर, मैं कोशिश की थी, उसे डॉक्टर साहब ने भी कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट इंडिया बजट थी, शायद कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, नहीं जी हम ऐसे नहीं देंगे, वरना पानी हमारा, सोर्सेज हमारे, पावर हमारा, और हम ही को फिर वो उसको बेचा जाता है। मेरे ख्याल में उमर साहब ने इसमें काफ़ी वजाहत के साथ बातें की है, आने वाले वक्त में अगर लोगों ने हम पर एतमाद जताया तो इंशाल्लाह रहमान इस पर भी गौर होगा। सागर साहब, जानना चाहेंगे जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं, क्या आप चाहते हैं उसके बाद इमीडिएटली जो इलेक्शन है स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो, इमीडिएटली होने चाहिए? हम चाहते हैं, हम तो बार बार कहते हैं कि असेंबली इलेक्शन हो, क्यों ना हो। अगर ये लोग कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया लोगों के लिए, तो इनको पहल करनी चाहिए, नहीं करते। अगर ये दावा अपने दावे में सच्चे हैं कि हमने यहाँ का नक्शा बदल दिया, तो लोग फिर आगे बंद करके इनको वोट डालेंगे। क्या करें तो सही, क्या समझते हैं आप जो इलेक्शन होंगे यूटी के इलेक्शन होंगे या स्टेट हुड में होने चाहिए इलेक्शन? नहीं, स्टेट हुड देना है इनको, उसके बगैर कोई चारा नहीं, वो कोई मेहरबानी नहीं करनी है, वो तो हम पहले ही इंजॉय कर रहे थे। ये तो पहली दफ़ा देखा गया है कि एक मुल्क जम्मू कश्मीर जो था 27 अक्टूबर 1947 तक वो एक स्टेट बन गई, और उसमें कुछ अटानमी थी, उसके कुछ इख्तियार थे, खुद मुख्तारी थी, फिर उस स्टेट को यूटी बनाया गया। लिहाजा उनको मेरे ख्याल में अपनी गलती दुरुस्त करनी चाहिए, यहाँ स्टेट बनानी चाहिए, और उन्होंने वादा भी किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चलो आने वाले हमें देखना। सागर साहब, कहीं ना कहीं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वो इल्ज़ाम लगाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, यहाँ के जो हालात है उसके जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है, साथ ही साथ 1987 के जो रिगिंग की बात थी वो भी मंजर आम पे आती रहती है, उसके बारे में आपका क्या कहना? ये सब अखबार वालों का किया कराया है, ये 1987 की रिगिंग वो ही कहाँ? अगर 1987 में रिगिंग हुई थी, किसी ने मुकदमा किया है, चैलेंज किया है किसी रिजल्ट को? अगर किया है, गिलानी साहब कैसे आए असम्बली में, मोहम्मद सईद साहब कैसे आए, शबीर साहब के भाई, शबीर अहमद शाह के भाई कैसे आए, अब्दुल रजाक बिजरू साहब कैसे आए, सुमजी साहब कैसे आए, वो नहीं आए, वो असम्बली में नहीं थे मेंबर। लिहाजा ये कहने की बात नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको इसको टारगेट करना, इसका क्रिटिसिज्म करना इनको आसान लगता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोग हैं, वो ऐसे रिएक्शन नहीं करते हैं, गलत दावे और गलत इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं, ना हमने कभी किसी के में लगाया, लेकिन इनका काम ही है, ये कहते हैं कि अगर पार्टी बनानी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को गालियाँ दो तो बस आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी। बाकी आप सब जानते हैं यहाँ अच्छा बहुत बहुत अच्छा हुआ, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, शेर कश्मीर ने किया, कुछ इनकलाबी स्टेप लिए, शायद तमाम दुनिया में वो स्टेप नहीं लिए गए जो ज़मीन का मालिक उसकी काश करने वाले को बनाया। ये चीज़ें होती हैं, और आगे भी अल्लाह ने चाहा तो उमर साहब की क़यादत में ये चीज़ें होंगी, जिससे लोगों को राहत होगी, आराम होगा, लोग जो इस वक्त गम और मुश्किल और मुसीबतों में मुब्तला है उनको शायद उनकी नजात मिल जाएगी। शुक्रिया हमें टाइम देने का।